तो क्या है ना, जब हमने ये रेसिपी बनाना शुरू किया तो हमारे घर वालों ने बोला कि ये कटोरी के अंदर कटोरी डाल के क्या कर रहे हो। तो हमने उनसे कहा रुको जरा सबर करो, और फिर इसमें इडली का बैटर डाल के इसे स्टीम करने रख दिया 8 to 10 minutes के लिए। और अब जब ये स्टीम हो गया तो हमने इसे प्लेट पे फ्लिप किया और इसमें से ये छोटी वाली कटोरी को भी आराम से निकाल लिया और फिर इसकी साइड्स पर डाली कोकोनट चटनी, रेड चिली और कोरिएंडर, और फिर इसके सेंटर में फिल कर दिया गर्मा गर्म सांबर। और ये हमारी कटोरी वाली इडली चटनी सांबर हो गई रेडी, जिसे देखकर हमारे घर वालों ने कहा वाह 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 वाह।